अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे दो मुर्दे चाय पीते पकड़े गए। इंस्पेक्टर कबूतर लाल ने गिरफ्तार किया और 2.5 किलो जिलेबी बरामद। रुको जरा, सबर करो। ये आकाशवाणी है, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो रेगिस्तान से अभी भी खबर मिली, कब्रिस्तान से 3 मुर्दे फरार। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे दो मुर्दे चाय पीते पकड़े गए। इंस्पेक्टर कबूतर लाल ने गिरफ्तार किया और 2.5 किलो जिलेबी बरामद। अब मुख्य खबरें विस्तार से। एक पीपल के पत्ते के टूट जाने के कारण 3.5 हाथी की मौत और 5 आदमी घायल। घायल हाथियों को मुर्दाबाद हॉस्पिटल में मरने के लिए भेज दिया गया है। मरे हुए हाथी की नसबंदी किया जा रहा है। एक विशेष सूचना, एक हेलीकॉप्टर एक हाड़े से जोरदार टक्कर होने के कारण हेलीकॉप्टर चकनाचूर हो गया। हड्डे के आगे के दांत में खरोच आ गया, इसलिए उसे मलेरिया हो गया है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कानपुर की दोई नगर सब्जी मंडी में आलू और टमाटर से झगड़ा होने के कारण वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक कुत्ता ना समझ बेचारा निकल पड़ा, उसे गोली मारकर घायल कर दिया और कानपुर हाईलाइट अस्पताल में भर्ती किया गया है। सरकार योगी का कहना है कि जब तक ये अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए इसका दवा दर्पण चालू रहेगा। वह क्या सीन है। कानपुर भैरव घाट से एक मुर्दा नौमन लकड़ी लेकर फरार हो गया है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। हिंदुस्तानी पत्रकारों कह रहे हैं वो पाकिस्तानी आतंकवादियों से मिला जुला गुप्तचर था। ऑल इंडिया रेडियो रेगिस्तान समाचार समाप्त। समझ रहे हो। तो माई 4 के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चचा का जो आपने सभी समाचार सुना, तो समाचार सुन के अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।